अस्सलामु अलैकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल अली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम मिस्टर शनावर, और आज इनके हम लोग गैराज में मौजूद है, दूसरी गाड़ी हम इनकी रिव्यू कर रहे हैं। और शनावर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया हमें अपने गैराज में वीडियो शूट करने का, और आपके साथ एक जो है ना ताल्लुकात कायम करने का हमारे सब्सक्राइबर के भी और मेरे भी। और यह बताइएगा कि आज हम कौन सी गाड़ी करेंगे? आज हम ट्रिप्टॉनिक पीसी करेंगे। ट्रिप्टॉनिक पीसी जी, और आगे के दो जो है विंडो, ये ज़ाहिर है विंडोज हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीसी जब भी होता है, हमारे व्यूअर्स को एक दफा मैं अपडेट कर दूं कि जब भी हम लोग पीसी का नाम लेते हैं तो पीसी में सिर्फ अगले दो पावर विंडोज होते हैं। जब पीए का नाम लेते हैं तो पीए के अंदर सारी गाड़ी है, उसकी जो है मैनुअल होते हैं, जबकि ट्रांसमिशन उसकी ऑटो हो सकती है। तो शनावर भाई, ये ट्रिप्टॉनिक पीसी है जी? जी सही। इसकी माइलेज कितनी है? इसकी माइलेज 1,02,000, तकरीबन 1,02,000, 100 समथिंग इसकी माइलेज है। मेरे सामने तकरीबन 1,02,000 ही है। अच्छा शनावर भाई, ये बताइए इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल 2015 है। 2015, और इम्पोर्ट? इम्पोर्ट 2020 की जाहिर सी बात है। 2020 की फ्रेश इम्पोर्ट है ये, और 15 मॉडल है, और बहुत ही फ्रेश गाड़ी है, बहुत ही शानदार हालत में ये गाड़ी मौजूद है। ट्रिप्टॉनिक की खास बात यह है कि एक दफा फिर मैं बता दूं आपको, इसकी खास बात यह है कि ये शहर के अंदर 17 से 18 किलोमीटर आपको देती है एवरेज, और बाहर अगर आप चले जाएं तो 20 से 25 किलोमीटर आपको एवरेज देगी। और अगर आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं रेंट के हवाले से, तो इसमें आपको बहुत अच्छी एवरेज के साथ आप एक अच्छे जो है एंड ऑफ द मंथ एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और सेकेंड बात आपको ये अपडेट देनी थी कि मेरा सियालकोट में कोई भी ऐसा शोरूम नहीं है जो कि मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से वाबस्ता हो। बहुत सारे ऐसे शोरूम्स हैं जो कि मेरे चैनल के नाम से वाबस्ता हैं। सो किसी भी जो है वो आप शिकार ना हो किसी भी इस तरह की चीज़ का कि मेरे दूसरे नाम से आप चले जाओ, मुझे वहाँ पे ढूंढते रहें। और बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लोग सियालकोट में आते हैं और मेरे नाम से वो बस्ता चैनल के शोरूम पर जाके तो मुझे ढूंढते रहते हैं, या फिर वहाँ से गाड़ी परचेज करके बाद में कोई ना कोई इशू आ रहा हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो पहले ही मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर है 0347-562-5697। आपको पूरी सर्विस और पूरी एहतियात के साथ गाड़ी लेके देने में इंशाल्लाह हम लोग हाजिर हैं। तो आइए हम लोग ये गाड़ी चेक करते हैं, उसके बाद जानते हैं इसकी प्राइस क्या है। और हम लोग सोच भी रहे हैं कि हम लोग चैनल का नाम चेंज कर दें। आप लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं कि हम चैनल का नाम क्या चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे शोरूम के हवाले से जो है वो हमें मसला ना हो वाला, जो कि शोरूम के हवाले से हो रहा है। सो इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो आइए गाड़ी चेक करते हैं जी। सबसे पहले आप इसकी माइलेज देख लें, 1,02,108 किलोमीटर है, ये आप लोगों के सामने है। सही है जी, ये आप लोग देख लें। इस साइड से अगर आपको मैं इसके एसी की बात करूँ तो बहुत ही कमाल का एसी चल रहा है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो एसी की अच्छी ज़रूरत है हम सबको। तो हम लोग मौजूद है शनावर के गैराज में, और इसके चलते इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं इसके कंट्रोल्स पे, तो कंट्रोल आप लोग देख लें बहुत ही कमाल के इसके इस साइड के कंट्रोल लगे ले। दोनों दरवाजे जहाँ इसके ऑटो हैं, बाइक शीशे इसके मैनुअल हैं, जो कि आप हाथ से ही उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। ये चाइल्ड लॉक यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर पीछे से इस साइड आपको इसकी ट्रे मिल जाती है आपको, यहाँ पर कंटेनर टाइप बना हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है, इस साइड पे कप ट्रे आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप कप कंटेनर है, यहाँ पे कप रख सकते हैं आप, ठीक है। नीचे यहाँ पे भी आप सेम, यहाँ पे आपको कंटेनर मिल जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, नीचे से अगर कारपेट की बात करूँ तो कारपेट आप लोग देख लें, नीचे से बहुत ही जेन्युइन हालत में इसका कारपेट मौजूद है, ये आप लोगों के सामने है। सही है जी, इस साइड से आप लोग इसकी ट्रांसमिशन देख लें, आप लोग इसको ऑटो भी चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। और नीचे से अगर मैं आपको कारपेट दिखाऊँ तो कारपेट आप नीचे से देख लें, ये इसके हालात है, ये आप लोग देख लें। सही है जी, इस साइड से अगर हम सीट की बात करें, सीट बिल्कुल जैनी हालात में इसकी सीट मौजूद है, बहुत ही आला शानदार कंडीशन में इसकी सीट मौजूद है, ये आप लोग देख लें। सही है जी, ये आप लोगों के सामने है। और इस साइड पे हमेशा मैं बात करता हूँ कि इसकी ट्रे मुझे बहुत पसंद आती है, यहाँ पे आप फाइल फोल्डर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इस जर से आप छत देख लें, ये ट्रे बेसिकली ट्रे का हिस्सा ही है, पहले साथ ही आप लोग देख लें। सही है जी, ये आप लोगों के सामने है जी। हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के दरमियान में, और दरमियान से आप लोग सबसे पहले पीछे इसका कारपेट देख लें, ये हालात है से कारपेट के, बिल्कुल जैनी हालात में इसका कारपेट मौजूद है। और इस साइड से अगर मैं सीट की बात करूं तो ये आप लोगों के सामने है, ये हालात है इसकी सीट के, ये आप लोग देख लें। और इस साइड से अगर छत की बात करें, छत आप लोग देख लें, ये इसके हालात है इसके छत के, ये आप लोगों के सामने है। सही है जी, और पीछे से अगर हम लोग बात करें कारपेट की, तो पिछले से पीछे आप कारपेट देख लें, बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में जेन्युइन कंडीशन में इसकी इसका जो है वो कारपेट मौजूद है जी। हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पीछे, और पीछे से अगर आपको मैं दिखाऊं पिछला बम्पर इसका, तो ये हालात है उसके बम्पर के, जिसे लाइट देख लें, ये हालात है उसके लाइट के, ये आप लोगों के सामने बिल्कुल फ्रेश इम्पोर्ट है। ये हल्के से यहाँ पे आपको हल्के से निशान मिलते हैं, ये आप लोग देख लें। ठीक है जी, उसके बाद पीछे से आपको मैं गाड़ी की लाइट दिखा रहता हूँ, ये हालात है उसके गाड़ी के। सही है जी, आप लोग देख लें। सही है जी, और इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ
उसके टायर की हालत, तो टायर आप लोग देख लें, ये हालात है उसके टायर के, ये आप लोगों के सामने है। गाड़ी का अगर पिछला दरवाज़ा आपको मैं दिखाऊँ राइट साइड का, तो राइट साइड का दरवाज़ा आप लोग देख लें, ऐसी कंडीशन है इसके दरवाजे की, ये आप लोगों के सामने है। सही है जी, इस साइड का दरवाज़ा आपको मैं दिखाऊँ तो दरवाज़ा आप लोग देख लें, ये हालात है इसके दरवाजे के, ये आप लोगों के सामने है। सही है जी, और आगे से अगर आपको मैं इसके टायर की हालत बताऊँ तो टायर की हालत आप लोग देख लें, ऐसी कंडीशन है इसके टायर की, ये आप लोगों के सामने। फेंटर की अगर बात करें तो फेंटर बिल्कुल साफ सुथरी हालत में इसका फेंटर मौजूद है, बहुत ही लश कंडीशन में इसका फेंटर जो है वो मौजूद है। और इस साइड से अगर अगली लाइट की बात करूँ तो अगली लाइट आप लोग देख लें, ये हालात है इसकी अगली लाइट के। और नीचे से अगर हम बात करें बम्पर की, तो बम्पर आप लोग देख लें, बहुत ही जैनी हालात में इसका बम्पर मौजूद है। इस साइड से अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो लाइट बिल्कुल जैनी हालात में इसकी लाइट मौजूद है। सही है जी, इस साइड से अगर मैं बात करूँ नीचे टायर की, तो टायर आप लोग देख लें, ये हालात है इसके टायर के, ये आप लोगों के सामने है। और इस साइड से आप लोग देख लें, ये फेंटर है इसका, ये हालात है इसके फेंटर के। और इस साइड से पूरी की पूरी गाड़ी अगर मैं दिखाऊँ तो पूरी की पूरी गाड़ी आप लोग देख लें, ये हालात है इस पूरी की पूरी गाड़ी के। सही है जी, और इस साइड से अगर अगला दरवाज़ा दिखाऊँ तो अगला दरवाज़ा आप लोग देख लें, ये हालात है इस अगले दरवाजे के, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई रैश, कोई स्क्रैच, किसी किस्म का यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस साइड में अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये भी आप दरवाज़ा देख लें, बिल्कुल साफ सुथरा दरवाज़ा है, कोई भी किसी किस्म का रैश वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। सही है जी, और पीछे अगर आपको टायर दिखाऊँ इसका पिछला लास्ट टायर आप लोग देख लें, ये इसकी कंडीशन है इसके टायर की, ये आप लोगों के सामने है जी। गाड़ी आपने देखी है, जानी है सारी की सारी, आई होप आपको गाड़ी पसंद ही होगी। अगर आपको गाड़ी पसंद है तो आप आ सकते हैं मेरे पास सियालकोट में, 03475625697, और शनावर भाई के गैराज में आपको हम ले आएंगे। ये गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, अगेन नंबर दोहरा रहा हूँ, 03475625697। शनावर भाई इसकी प्राइस बताइएगा। इसकी प्राइस भी सेम ही है जैसे मैंने आगे गाड़ी की बताई, इसकी भी 15.5 ही है। 15.5 ही है, 15.5 में अगर आपको गाड़ी पसंद है तो आप आ सकते हैं सियालकोट मेरे पास, 03475625697, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, गाड़ी अपने नाम कर सकते हैं। 15 मॉडल है भी इसकी, इम्पोर्ट है, ट्रिप्टॉनिक पीसी है ये। सो आई होप आपको ये गाड़ी पसंद ही होगी, और ये होप कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी दुआएं लिखते हैं आपके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।